नमस्कार, नीलम स्पेशल शो 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पर ये नीलम कौन है? उफ, क्या करूं, आज मैं गिर गई थी ना तो सर पे चोट आ गई है, थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ। क्या मैं ऑनलाइन हूँ? ओ, ऑनलाइन हूँ तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, है ना? स्वागत कैसे करूं, मुझे तो कोई चेहरे पहचाने हुए नहीं लग रहे। चलिए ऐसा करते हैं कि मैं कुछ लाइन कह देती हूँ और जिसको लगे कि उस पर फिट है वो हाथ ऊपर कर दे। ठीक ठीक है साथियों? जी हाँ, ओके ओके। तो हाथ ऊपर करना ना भूलिएगा। तो अब पहली लाइन है, छोटी सी प्यारी सी जैसे हो गुड़िया, ये नटखट लड़की है जादू की पुड़िया। तो ये कौन है मोहतरमा? गेस करिए, गेस करिए कौन है। ये है मीना। तो मीना आ गया तेरा दीवाना। ओह सो सॉरी, आई मीन ऑनलाइन मीट एंड आई मस्ट बी सीरियस। नीलम सीरियस हो जा यार। तो अगली कुछ लाइन, चंचल मैं नदिया सी, शरारती हूँ पवन सी, लिखती हूँ गाती हूँ देखकर मैं, हीलिंग दर्द भी भगाती हूँ। तो ये कौन है? प्रीति। प्रीति, तुम प्रीति पांडे, तुम कहीं चंचल पांडे की बहन तो नहीं हो ना? चुलबुल पांडे की बहन। चुलबुल पांडे की बहन हो? अच्छा 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 अच्छा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो चंचल चुलबुल सब एक जैसे ही लगते हैं ना, थोड़ा भूल रही हूँ ना, सॉरी सॉरी। सो नेक्स्ट लाइन, रॉक एंड रोल बेबी डॉल, क्रिएटिंग मैजिक थ्रू अ सिनेमा, राइटिंग एंड कम्युनिकेटिव आइडियोलॉजीज। वाह, लगता है मेरी कुछ याददाश्त वापस आ रही है। अच्छी अंग्रेजी बोली ना मैंने। तो कौन है ये मोहतरमा? कौन है मोहतरमा? अनु, अनु की राधा, अनु की राधा। पर ये अनु कौन है? अनुराधा। नहीं आ रहा, चलिए। अच्छा, आपका एक ही नाम है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, कुछ कुछ समझ रहा है मुझे। लगता है वो सर का दर्द ठीक होता जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। Dabbled my hand at radio jockey shows, honorary spoken English classes, stenography, Russian language, entrepreneurship, self-published books, travel vlogging, founder of Poesy Tales Poetry Group. My husband often jokes, is there anything else you want to try now? तो आपके हस्बैंड भी है, आप तो बहुत यंग लगती है, बाल विवाह हुआ था क्या? नहीं नहीं ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 25 साल हो गए। ओके, तो ये थी हमारी, मैं फिर से नाम भूल गई, क्या नाम है आपका? अनुपमा। अनुपमा, अनुराधा अनुपमा, अनुराधा अनुपमा, बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं। और अब अगली लाइन, उम्र 60 पार है फिर भी अपने से प्यार है, मस्त हूँ व्यस्त हूँ यही मेरी पहचान है। अब आप ही बची है परवीन बॉबी, तो आप ही होंगी ना? पर परवीन बॉबी तो अच्छा अच्छा आपका नाम एक्चुअली थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या? मैं परवीन बॉबी तो नहीं है, तो क्या है आपका नाम? परवीन गगनेजा। परवीन गगनेजा, तो स्वागत है आप सबका। और इस शो में हम लोग जो है थीम बेस्ड कविताएं सुनाते हैं। वो शुरू करते हैं। यस 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 यस, ओके ओके। स्पेशल पर्सन हुम आई नीड टू इंट्रोड्यूस, एक्चुअली दैट पर्सन नीड स्टिल एनी लाटो, बिसाइड्स राइटिंग एंकरिंग पेंटिंग एंड एक्टिंग, कौन है वो बोलो? मैं ही होंगी, मुझे पता नहीं है मैं ये सब करती हूँ कि नहीं, पर होंगी तो मैं ही, क्योंकि और सबका नंबर तो आ गया। Yes, she is the queen for today, the host and the great Neela. Thank you, thank you, thank you. तो हम बढ़ते हैं आगे।
और शुरू करते हैं पहले राउंड से। इस राउंड में हम सुनेंगे कि उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी थी। बच्चों के लिए तो स्कूल की परीक्षा ही सबसे बड़ी होती है, पर जिंदगी खुद भी तो एक इम्तिहान ही है ना। सो हेलो मीना, विच एग्जाम विल यू बी टॉकिंग अबाउट। दोस्तों चिड़िया मुझे बता रही थी कि मीना का शिक्षा से वास्ता है, तो फिर परीक्षा के बारे में उनका क्या कहना है सुनते हैं कविता में। सो मीना, योर पोम। थैंक यू सो मच नीलम। यस, आई एम अ टीचर एंड व्हाट डू स्टूडेंट्स फील, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो द एग्जाम डे एट होम, द अलार्म्स लाउड चाइम वोक मी फ्रॉम माय स्लीप, स्प्रैंग आउट ऑफ बेड इनटू द डेज डीप, rushed through chores with a racing heart, revision awaited a crucial part, summoned celestial help to ease my mind, inner demons quieted, nerves to unwind, skipped breakfast, dove into the task, reeling through chapters, a challenging task, familiar pages yet doubts did loom, revision revealing gaps of the room, have I truly grasped what the lesson spun, or will the exam reveal what's left undone? So that was the exam day at home. And you know, once you reach the exam center, once you reach the exam hall, once you are in the school, and when you see others studying, what happens to you? The exam day at school. Arrived at school, friends greeted in glee, yet focused on prep, no time for spree. Nerves twinge as others flaunt their no. Last minute cramming, not my flow. Confidence in peers who seem well prepared, ready to conquer, questions not spared. In this exam hall, minds put to the test. Will knowledge prevail or anxieties rest? That's my student. Wow, what a wonderful poem. Very that nice. Was. Cheers. Lovely, ma'am. Yes. Beautiful. Thank you so much. So, jo hai parat dar parat zindagi ke raast khulte bhi jaate hain, par phir bhi kabhi kabhi lagta hai ki abhi bahut kuch janna baki reh gaya. So we are eagerly waiting for this poem from a filmmaker whose name is Anuradha. Anuradha. Thank you, Neelam. What a lovely platform to be in. And as I had said before, it's a great platform for women and people like me who have written poetry in silence. And now LWG gives us this great opportunity. So I will talk about exam. Let's see if it brings out life or it's talking literally. I was just a tiny dot. Then many friendly dots joined in as we made a line that struggled its pathways, uphill and downhill, straight and then it curved, till it made a word that felt so lonely, so lost on white sheets. It rolled and cringed till it found the others. And now they were in sync, singing hand in hand. They crossed miles on those white sheets, lending color, making rainbows of eternity, till a sudden break erased them all. But I, a tiny dot was born. Again began an exam on the white sheet of life. Thank you. Very nice. That was a wonderful poem. Very nice. Very nice. Thank you, Neelamji. Thank you. It's just talking about life in sync with what we talk about words and exam, and Meena rightly related how students would look at it
But aren't we all students of life? This is how we begin our journey with a dot, a small child being born, and then how we meet and then get erased without any call. I mean, it's just, you get erased to be born again. So that's well said. Yeah. Thank you. Well said. Well said. तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे. परीक्षा यूं देखा जाए तो अच्छी ही होती है, क्योंकि कहते हैं कि हम अपना दिमाग पूरी तरह से परीक्षा के समय ही खोल पाते हैं, कुछ हासिल करने के लिए कुछ गिनी चुनी घड़ियां. पर अक्सर यही घड़ियां किसी को निराश भी कर सकती हैं, है ना. तो चलिए सुनते हैं अनुपमा की कविता. अनुपमा कार्डवर. Thank you, Neelam ma'am. Would like to thank this platform for providing such a wonderful opportunity. मैंने परीक्षा की एक और पहलू प्रेजेंट करना चाहती हूँ. हाल ही में अखबार में खबर पढ़ी, तब से दिल में बेचैनी सी है छाई. हाल ही में अखबार में खबर पढ़ी, तब से दिल में बेचैनी सी है छाई. कुछ विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए अच्छे गुणों से, तो खेल बैठे अपनी कीमती नन्ही सी जान से. कुछ विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए अच्छे गुणों से, तो खेल बैठे अपनी कीमती नन्ही सी जान से. इन बच्चों पर क्या इतना दबाव डालना है अच्छा, क्या कहे, किसे कहे, कौन समझाए, कैसे इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं. इन बच्चों पर क्या इतना दबाव डालना है अच्छा, क्या कहें, किससे कहें, कौन समझाए, कैसे इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं. अभी तो इनकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई, कहां इन्होंने दुनिया है देखी. अभी तो इनकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई, कहां इन्होंने दुनिया है देखी. अभी तो बाकी है आसमां की ऊंचाइयों को छूना, पर मजबूत करके उड़ान है भरना. अभी तो बाकी है आसमान की ऊंचाइयों को छूना, पर मजबूत करके उड़ान है भरना. पालक आप भी इस बात को समझो, है चुनिंदा मौकों के अलावा अब कई उपलब्धियां. अपने बच्चों की भावनाओं को समझो, पालक आप भी इस बात को समझो, है चुनिंदा मौकों के अलावा अब कई उपलब्धियां. अपने बच्चों की भावनाओं को समझो, लाड़ प्यार से हो तुम जिन्हें इस दुनिया में लाते, पाल पोस कर बड़ा करते. लाड़ प्यार से हो तुम जिन्हें इस दुनिया में लाते, पाल पोस कर बड़ा करते. फिर लगाते हो इनकी जान दांव पर, ना बोझ दो इन छोटे कंधों पर, कहीं फिर ना पछताना पड़े जिंदगी भर. इम्तिहान कहीं आते हैं जिंदगी में, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा. इम्तिहान कहीं आते हैं जिंदगी में, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा. जिंदगी की कठिन परीक्षा कैसे करोगे पार, जिंदगी की कठिन परीक्षा कैसे करोगे पार, अगर इस सफर की शुरुआत में ही मान जाओगे हार. अगर इस सफर की शुरुआत में ही मान जाओगे हार. थैंक यू. वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन. ये सभी के सोचने के का विषय है. हम भी पालक हैं और जो है, चलिए मेरी बेटी तो अब कुछ अपने इसमें लग गई है, बट सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनके ही सब कुछ हासिल नहीं होता. देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे जो कि अपने अपने क्षेत्र में सफल है, तो सबको अपने मन की करने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसे उस दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए. इस कविता ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है. स्कूल की परीक्षा को पास करने के तो तरीके होते हैं,
जिसमें सबसे ऊपर नाम है मेहनत का, पर जिंदगी की परीक्षा कैसे कहा जाता है कि उसमें हम पास हुए कि फेल? परवीन, क्या आप जिंदगी की परीक्षा के बारे में कोई कविता सुना सकती हैं? जी मैम, नमस्कार सभी को। जीवन तो एक परीक्षा है, मोल हमें खुद ही समझना है। सच बात तो यह है, मन हारे मैदान हारे। इंतजार नहीं इंतजाम करें, क्योंकि जीवन तो एक परीक्षा है। कामयाबी जोखिम से जुड़ी है, कामयाबी जोखिम से जुड़ी है। जोखिम उठाएं और कामयाब बने। सोचो नहीं परीक्षा कैसी होगी, सोचो नहीं परीक्षा कैसी होगी। ध्यान एकाग्र और तैयारी पर रहे। परवीन, सच बात तो ये है, जीवन का सार नजरिया है, जीवन का सार नजरिया है। नजरिया बदलें, नजारे भी बदल जाएंगे। नजरिया बदलें, नजारे भी बदल जाएंगे। धन्यवाद। तो मुझे प्रीति को देखकर तब से न जाने क्यों अपना बचपना याद आ रहा है। अब प्रीति को देख के क्यों याद आ रहा है पता नहीं, पर आ रहा है। साल भर की शैतानियां और परीक्षा की हैरानियां, कैसा हाल हो जाता था, है ना प्रीति? क्या परीक्षा के पहले जो हाल होता है उसे याद कर आपने सच में कोई कविता लिखी है कभी? यदि हाँ तो उसे सुनाए। प्रीति, कविता सुनाए। हेलो, नमस्ते जी मैम। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। और मैम बहुत प्यारे व्यक्त कर रही हूँ अपने कविता के माध्यम से। आई परीक्षा आई, धड़क रहे दिल और हाथ पसीज रहे, धड़क रहे दिल और हाथ पसीज रहे। सिर पर तलवार से लटक रहे, मिलता हल एक सवाल का तो दूसरे के सिर उग रहे। तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, सब एक दूसरे से पूछ रहे। आंधी और तूफान सी देखो आई परीक्षा आई। साल भर तो पढ़ा नहीं और जो पढ़ लिया वो रटा नहीं, रटकर भी याद नहीं। हाय ये कैसी है हर जाई, आई परीक्षा आई। अच्छे अच्छों की बाट लगाई, दूध का दूध और पानी का पानी करने आई परीक्षा आई। एग्जाम हॉल का तो हाल बुरा है, नकल करूं कैसे हर एक ये सोच रहा है। नकल में भी अकल चाहिए भाई, ले रहा 10-10 कॉपी कोई और किसी की एक भी ना भर पाई। ना जाने उसने क्या लिखा, रात तोते आंखों पर चश्मा चढ़ा रात दिन पढ़ाई है करते। ना पार्टी ना मस्ती करते, मम्मी पापा भी आगे पीछे ही डोला करते। उनके लिए ही हम भी त्याग ही करते। तारणहार बनकर तुम्हारी परीक्षा आई, आई परीक्षा आई। साल भर तुम करो पढ़ाई, नित्य करो तुम तैयारी। बार बार पढ़कर दोहराओ परीक्षा को सीढ़ी बनाकर, और खूब नाम कमाओ। दिल खोल कर बोलो भाई, आई परीक्षा आई, आई परीक्षा आई, आई परीक्षा आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कविता। मीना, तक तक। और अब बारी है हमारे होस्ट की। ये टक टक। तो जो नीलम जी हैं वो हमें ये बताने वाली है। नीलम जी, आपको क्या लगता है, परीक्षा सिर्फ ये देना पड़ रहा है कि और भी लोग थे जिन्हें परीक्षा देनी पड़ी? सीता, राम, लखन, सबने परीक्षा दी या हम ही सब दे रहे हैं बस?
नहीं, सभी को जिंदगी में परीक्षा देनी ही पड़ती है। आपके विचार? और मैं जो कविता सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है चुनौती। सीधी लकीर सी चल रही जिंदगी में, कौन से इम्तिहान आ जाएं कौन जाने। सीधी लकीर सी चल रही जिंदगी में, कौन से इम्तिहान आ जाएं कौन जाने। क्या सीता ने सोचा था कि उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या राम ने सोचा था कि उसे अपनी जीवन संगनी को त्यागना पड़ेगा? क्या लक्ष्मण ने सोचा था कि उसे सीता को जंगल में छोड़ने का भार उठाना पड़ेगा? क्या सीता ने सोचा था कि वो कभी किसी आश्रम में वक्त गुजारेगी और वहीं पैदा होंगे लव और कुश, जो राजकुमार बनेंगे कभी? नहीं ना, नहीं ना, फिर क्यों देती है जिंदगी ऐसे इम्तिहान? शायद हमें अपने आप से बेहतर बनाने के लिए। हाँ, अगर सीता को आश्रम में नहीं रहना पड़ता तो क्या उसके मुखमंडल पर वो आभा होती जो हमारे तुम्हारे ध्यान में उसकी छवि है? क्या लव और कुश जिंदगी को इतनी अच्छी तरह परख पाते? तो जब भी जिंदगी तुम्हें चुनौती दे उसे गले लगा कर कहना, तो जब भी जिंदगी तुम्हें चुनौती दे उसे गले लगा कर कहना, तुम लेती रहो परीक्षा ऐ जिंदगी, मुझे अभी तपना है, मुझे अभी जलना है, ताकि मुझ में सूरज सा तेज हो। उस जिंदगी को गले लगा कर कहना, तुम लेती रहो परीक्षा ऐ जिंदगी, मुझे अभी तपना है, मुझे अभी जलना है, ताकि मुझ में सूरज सा तेज हो। तो ये थी मेरी कविता। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चूंकि हमारा पहला राउंड यहाँ खत्म हो रहा है तो कुछ कमेंट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हम हाईलाइट ही करते रहते हैं, पर परंतु दोनों राउंड्स के बीच कुछ कमेंट्स लेते हैं। तो रोहित जी वंडरफुल बोल रहे हैं, और मनी लगातार जुड़ी हैं और सभी को वो उत्साहित कर रही हैं। पुष्पा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। सतबीर जी जो कि एक बहुत सीनियर पोएट हैं, कह रही हैं वर्दी कंसिडरेशन। ये शायद उन्होंने अनुराधा के लिए कहा था। मनी कह रही हैं बहुत सुंदर अनुपमा जी, और पुष्पा जी ने भी बहुत खूब कहा है। सुनील जी भी जुड़े हैं जो कि हमारे पेज के एडमिन हैं, और इसके अलावा कुमार प्रसन्ना भी जुड़े हैं। हेलो प्रसन्ना। और जो है और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। तो उफ कितनी गर्मी है, अरे मेरा तो एसी भी काम नहीं कर रहा है। अब ये तो शो शुरू हो गया तो इस गर्मी को भी झेलना ही पड़ेगा। खुशी भरे दिन बीते रे भैया, अब दुखाए हो रे, पर इतनी मुश्किलों के बावजूद कुछ तो खास है इस गर्मी के मौसम में। अनुपमा, व्हाट डू यू फाइंड स्पेशल इन समर्स? यस मैम। अनुपमा जी, हाँ मैम, नमस्ते। बिफोर आई स्टार्ट माई पोएम, अगेन आईड लाइक टू थैंक नीलम मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच अ नाइस प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर पोएम्स। थैंक यू मैम। माई नेक्स्ट पोएम समर इज बेस्ड ऑन आवर चाइल्डहुड डेज, हाउ वी रिलेट समर विद आवर स्कूल हॉलीडेज। सो आई जस्ट स्टार्ट विद माई पोएम। आफ्टर ईयर लॉन्ग स्कूल डेज ईगरली वेटेड for summer holidays, after year long school days eagerly waited for summer holidays, time to pack our baggage and head off to the village, time to pack our baggage and head off to the village, after the constricted single room space in city, to have freedom and enjoy without nitty-gritty, after
the constricted single room space in city to have freedom and enjoy without nitty-gritty. It was fun to stay with all under one roof. Our tanned faces and bruised knees was the proof. It was fun to stay with all under one roof. Our tanned faces and bruised knees was the proof. Bonding with aunts, uncles, cousins, siblings. Now, so caught up with other grown-up things. Bonding with aunts, uncles, cousins, siblings. And now, so caught up with other grown-up things. To spend time in large house was a bliss. I often remember and strongly miss all this. Not bothered with the scorching, sweltering heat. Popsicle and homemade mango drink was treat. Not bothered with the scorching, sweltering heat. Popsicle and homemade mango drink was treat. Climbing the trees, playing in the mud, any outdoor game. Climbing the trees, playing in the mud, any outdoor game. Nowadays, summer vacation, though spent at luxurious locations, are not the same. Nowadays, summer vacation, though spent at luxurious locations, are not the same. Curiosity to know and watch how egg a chicken lays. Curiosity to know and watch how egg a chicken lays. Those were our fun-filled childhood summer days. Those were our fun-filled childhood summer days. Thank you so much. Oh, wonderful poem. I think all of us can relate to this poem. Thank you, Anupma. Thank you. तो बढ़ते हैं आगे. मोहब्बत की एक खास बात है कि किसी भी मौसम का या किसी भी खास लम्हे का इंतजार नहीं करती. कभी सूर्य की किरण बनकर, कभी बारिश की बूंद बनकर और कभी धुंध का कंबल बनकर. ये वो एहसास है जो अपनी जगह खोज ही लेता है, खुशी में, बेकरारी में, आंसुओं में, मौन में, बस यूं कहो कहीं भी. क्या आपको ऐसा कोई एहसास हुआ है अनुराधा? मुझे हुआ है कि नहीं पता नहीं पर कविता कविता तो जरूर लिखी है मैंने तो चलिए कविता ही सुनाइए, अब शायद कोई और उस एहसास के साथ जुड़ ले. जरूर जरूर. तो ग्रीष्म ऋतु पे है ये, और जैसा नीलम जी ने कहा कि मोहब्बत का, मोहब्बत को किसी मौसम की कोई परवाह नहीं होती. सुबह की वह पहली किरण पेड़ों के झुरमुटों से झांकती हुई, चिड़ियों की चहचहाहट, अलसाई सी गर्मी की वह एक सुबह याद आती है. माथे पर इंद्रधनुष से टपकती पसीने की बूंदें जो मेरे होठों को छूती हुई, गले तक प्यास जगाती वह तुम्हारी खुशबू. बिल्कुल वैसे ही याद आती है गर्म बाहों में प्यार से सिमटना, बिस्तर की सलवटों में मुझे ढूंढना, वह सुबह की हंसी, वह खिलखिलाहट, रात के सन्नाटे का गीत, मेरा, तुम्हारा, हमारा खो जाना. मैं तो मैं हूं पर तुम कौन हो, मैं तो मैं हूं पर तुम कौन हो जो मौन हो. थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है. अब सबसे ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि किस किस को इस बात का एहसास हुआ है और वो सब पब्लिक, और उन सबको पब्लिक प्लेटफॉर्म में जवाब देना होगा. हाथ ऊपर करें. देखिए मीना ने भी कर लिया, आनु ने भी कर लिया, तीन लोग रह गए. मुझे कुछ याद आ रहा है. किसने कहा है वो मुझे नहीं पता. मोहब्बत बहुत ही मुश्किल
मोहब्बत बहुत ही मुश्किल आजमाइश है मगर ये आजमा लेने के काबिल है। तो हम आजमा ही लिए और अब बढ़ते हैं आगे। यस, कि मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि आज बेहतर है या कल बेहतर था, बस एक बात जानती हूँ कि पहले गर्मियों में हम शायद कोई हिल स्टेशन पर जाना या एसी में बैठना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे भाई। मामा पापा भाई बहन संग हमारी फौज निकल पड़ती थी नाना नानी या दादा दादी के घर, और हम गर्मी से भी नहीं घबराते थे। थोड़ा सा शरबत और थोड़ी सी शरबत की मिठास और थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा मोहब्बत का एहसास, बस गर्मी कट जाती थी। अब क्या क्या कहना है परवीन इस बारे में? जी मैम, ग्रीष्म ऋतु मेरी कविता का शीर्षक है। गर्मी की आहट, बैसाखी का मौसम, आमों की महक, कोयल की कूक, लगती प्यारी मधुर तान, घोल रही है मेरे कानों में जैसे मिश्री, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है आई, आने वाले हैं लंबे उमस के दिन, जलता सूरज, तपती धरती, रूखे वृक्ष, भूरी घास, दुबके सब एसी के पास, ठंडक की तलाश, ग्रीष्म ऋतु है आई, आया याद बचपन बिंदास, वर्षों पहले दादा दादी ताया ताई मिलजुल रहते, खुला आंगन, ढलता सूरज, होती शाम, ग्रीष्म ऋतु आई, बिछते बिस्तर, कई चारपाई, लगती साथ, लगाई दौड़, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, प्यारे खेल, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, मस्ती करते, ग्रीष्म ऋतु आई, कहानियां सुनते सुनाते, होती रात, मोतियों भरा थाल, चंदा मामा देता आवाज, पहेलियां पूछते बुझाते, ढलती रात, ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुझे तो वो कच्चे अमिया की सुगंध एकदम आ गई, पता नहीं ये पोयम सुन के क्यों, और अब मन कर रहा है कि पना बना के पिया जाए। तो बढ़ते हैं आगे। Now, who can think of summer as fragrance of flowers, shimmers, delights, etc.? Only a poet can think so, isn't it? So let's invite the firefly Meena for a rhythmic poem. Meena. Thank you so much for the introduction. I'm so glad I'm still there. And I pray to God that I remain here in the stream yard. In summer's cradle, the sky ablaze with orange hue, flowers sway in rhythm, paint gardens unknown. Rose, summer, zinnia in bloom, their fragrances dance, dispelling all gloom. Watermelon, lychee, mango, jackfruit in array, market bustles with buyers, joy every day. This freaks. Find solace in drinks refreshing and cool. Coconut water, iced tea, mango smoothie, a delightful fuel. Summer's love shimmers, in every corner it gleams. A season of fantasies, of laughter and of dreams. Picnics in the park, under the shade of trees. Children's laughter echoes, carried by the breeze. मीना जी लगता है कि उनका नेट गोल 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 घूमने लगा है। तो अनुपमा, आपके पास उनकी कविता अगर हो तो उसको आगे कंटिन्यू कर ले। यस मैम, आ गई आ गई आ गई। कंटिन्यू कंटिन्यू, नजर लग गई बस। Don't say anything, just render your poem.
Okay. In summer's cradle, the sky ablaze with orange hues, flowers, swinging rhythm, painting gardens anew. Rose, lily, sunflower, zinnia in bloom, their fragrances dance, dispelling all gloom. Watermelon, lychee, mango, jackfruit and array. Market bustles with buyers, joy in every way. Fitness freaks find solace in drinks refreshing and cool. Coconut water, iced tea, mango smoothie, a delightful fuel. Summer's love shimmers, in every corner it gleams. A season of fantasies, of laughter and of dreams. Picnics in the park, under the shade of trees. Children's laughter echoes, carried by the breeze. Beaches illuminate, waves lapping at the shore. Sand castles rise, a testament of fun galore. Sun-kissed skin, salty air, seagulls in flight. Summer's magic casts its spell of pure delight. Evenings bring warmth under starlit skies. Glowworms twinkle like tiny fireflies. Barbecues sizzle, stories shared round the fire. Summer nights filled with joy, never to tire. Crickets chirp their lullaby as night falls deep. Dreams take flight in the arms of sleep. Summer, oh sweet summer, charm never ends. A season of love cherished by all my friends. Wow, that was amazing. And आपने इतने सारे खाने की चीजों का, खाने पीने की चीजों का नाम ले लिया कि मुंह में पानी आ रहा है. और अब मीना जी तो फिर से गोल गोल घूमने लगी, पर अब इनके घर पे धावा बोलना पड़ेगा. और मुंबई में हम, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अनुपमा भी है और परवीन जी भी है, तो हम लोग एक दिन मीना जी क्या जाके धाबा बोलते हैं. बिल्कुल जरूर. तो मुझे यहाँ पे गाना याद आ रहा है, वो हेमा मालिनी के लिए जो कहता है कि क्या खूब लगती हो और बड़ी सुंदर दिखती हो, पर यहाँ सुंदर नहीं, बड़ी सुहानी दिखती हो. प्रीति, तुम्हारे लिए प्रश्न है कि ये किसने किससे कहा कि बड़ी खूब, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुहानी दिखती हो. अब नहीं बोल पा रही, कोई बात नहीं, तुम अपनी कविता ही सुना दो जो तुमने गर्मी के लिए लिखी है. बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर हम मुझे बुलाने के लिए और ये प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैं अपनी कविता जो सुनाऊंगी, बल्कि गुनगुनाना चाहती हूँ मैं उसे. और उससे पहले मैं, क्योंकि जीवन में जो ग्रीष्म ऋतु होती है मैम, अगर हम दार्शनिकता की दृष्टि से देखें तो बेसिकली वो जीवन का एक पड़ाव होता है, आखिरी पड़ाव होता है लगभग. तो मैं उस पर दो लाइनें बोलूंगी, फिर मैं अभी तक अपनी कविता गुनगुनाती हूँ कि जीवन के बसंत को पार कर जीवन ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ रहा. सूख सूख साग से गिरते पत्ते और तना भी झुलस रहा. सिंचित करो इसे आध्यात्म से और जीवन अवतरण कर रहा. तो ये मैम जीवन को मैंने रिलेट किया हुआ है ग्रीष्म ऋतु से. अब मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी गुनगुना करके. कितनी सुहानी है ये गर्मी की शामें, कितनी सुहानी है ये गर्मी की शामें. थोड़ी शरारती थोड़ी रूहानी, थोड़ी शरारती थोड़ी रूहानी. करती है ये दिल को दीवाना, जैसे हो यो कोई प्रेम तराना, जैसे हो कोई प्रेम तराना. गर्मी की शाम का सभी को इंतजार होता है. न जाने होगा किस तरह दीदार तेरा, न जाने होगा किस तरह दीदार तेरा.
करती हूँ मैं इंतजार दिन भर तेरा, गिन गिन कर मैं पल ये गुजारूं, दिन गिन गिन कर मैं पल ये गुजारूं, आएगी जब तू करूं सोला सिंगार मैं। अब क्यों करूंगी ये भी बताती हूँ। वो फूलों की खुशबू वो बहना हवा का, वो फूलों की खुशबू वो बहना हवा का, छू कर मेरे गालों को जाना, छू कर मेरे गालों को जाना, छेड़े है तुझे से कोई तराना, करती है तू मुझको दीवाना, करती है तू मुझको दीवाना, हाय कितनी सुहानी है, हाय कितनी सुहानी है ये गर्मी की शामें, कितनी सुहानी, झिलमिल करते तारों का मौसम, झिलमिल करते तारों का मौसम, चांदनी रातों में लहरों का सरगम, चांदनी रातों में लहरों का सरगम, हो साथ मेरे, हो साथ मेरे ऐसे में प्रियतम, हो साथ मेरे ऐसे में प्रियतम, जाए ना खाली ये गर्मी की शामें, जाए ना खाली ये गर्मी की शामें, कितनी सुहानी हाय कितनी सुहानी है गर्मी की शामें, कितनी सुहानी है गर्मी की शामें, कितनी सुहानी है गर्मी की शामें। ओ वाह क्या बात है, क्या आवाज है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। मेरी क्या दे रही है, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम आप म्यूट है, मैम नीला मैम। ओह मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो इतनी बकबक कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि मुझे आपका गाना सुन के लग रहा है कि मुझे गर्मी से ही मोहब्बत हो जाएगी। और जब लखनऊ की लू चलेगी ना साए साए, तब प्रीति से पूछेंगे फिर से आप गाए गाए। तो बढ़ते हैं आगे, आगे यानी क्या, ये तो एंड ही आ गया ना प्रोग्राम का, बस नहीं 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 हुआ नहीं है, एंड हुआ नहीं है। हाँ। अभी हम आपको एक शहर में ले जाएंगे जहां से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां आपको अच्छा मुझे कविता सुनानी है, ओके मोहल्ले याद है, मैं सुनाती हूँ। मेरी पैदाइश नागपुर की है और मेरी मम्मी दिसंबर में नहीं रही, तो जब मैं पहली बार उस घर में पहुंची तो मेरे दिल पे क्या गुजरी उसके बारे में ये कविता है। मेरा वो शहर और यादें, एक बार फिर वापस पहुंची उस शहर में, फिर वही चिलचिलाती गर्मी का मौसम था, फिर वो धूप मेरे हाथ पांव और रुखसार को चाकू की तरह काट रही थी,
क्या आफताब की तेज किरणें अपना दर्द बिना मांगे मुझे बांट रही थी? काट तो यूं बहुत कुछ रहा था, मेरा गम भी कहां था कम। उसने उस शहर में जब से रखे थे कदम, मेरी ये पथराई आंखें भी तो हो गई थी नम। माँ की याद इत्र की तरह महक रही थी, शहर में मोहल्ले में सड़क पर मकान में हर जगह तो उनकी बेचैन करती कमी थी। बचपन की यादें ठहर ठहर कर आ रही थी, न जाने क्यों आंसुओं की झड़ी भी ला रही थी। मैंने सोचा गर्मी हो या गम, उससे हाथ मिलाना ही होगा, उस तेज को काटने नहीं देना है, उसके साथ साथ कदम भी मिलाना ही होगा। माँ जैसे नींबू का शरबत पिलाती थी वैसे ही पिया, जैसे वो लम्हे हंसकर जीने को कहते थी वैसे ही जिया। एल्बम खोलकर हर पल को रखती थी हथेली पर, सच कहूं चिलचिलाती गर्मी में भी कांपती थी थर थर। पर जैसे जैसे लम्हों से मैं दोस्ती करती गई, रूह में भी ठंड की लहरें चलती गई, आखिर मैं पाया दोनों शांत हो गए, गर्मी का मौसम और यादें दोनों मेरे दोस्त हो गए, गर्मी का मौसम और यादें दोनों मेरे दोस्त हो गए। तो ये थी मेरी कविता। बहुत अरे वेरी टचिंग, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। बहुत मार्मिक, वेरी टचिंग एंड रिलेटेबल। या वी लूज और फिर हम धीरे धीरे जो है उससे हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी आगे बढ़ने का ही दूसरा नाम है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोग जुड़े रहे और आपने हम छों यानी तीन और तीन छह देवियों की कविताएं सुनी और आपने इतना सारा हमें सराहा। आगे भी ऐसे जुड़ते रहिए, आगे भी ऐसे हमारे पोएट्स को एनकरेज करते रहिए और जिंदगी में भी आगे बढ़ते रहिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चप्पा खैर। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, लवली पोएट्स, लवली पोएट्री, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत खूबसूरत।